मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुभाचार्या ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो चुकी है सुबह और देखिए मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता वगैरह सब बनाने के लिए। और अभी मम्मी लोग सब उठ गए हैं तो झाड़ू कर रहे हैं। अभी मैं किचन में भिड़ चुकी हूँ, जा रही हूँ गैस किचन को सब इस तरह से क्लीन करूँगी, इसके बाद मैं खाना पीना वगैरह बनाऊँगी। और अभी मैया और अभी भाभी सोए हुए हैं, अभी उन लोग को उठा कर ब्रश वगैरह सब कराऊँगी। और मैया तो अभी छोटी है, रात को एकदम परेशान नहीं की थी हम लोग को, बहुत अच्छे से सो गए थे। पर होता है ना कभी कभी अनसा जाती है सोते सोते, तो उठ के रोने लगी थी। तो हम लोग उसको बहुत मज़ा आ रहा था खिलाने में हम लोग को, और साथ में हम लोग सबको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है, घर में लक्ष्मी है तो खुशी ही खुशी है, सबके घर में बहुत इंजॉय करे, बहुत खुश है दोस्तों। तो चलिए मैं मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना के नाश्ता पानी बना के, एक बात में आपसे मिलती हूँ दोस्तों। शोर शराबे के बाद बहुत आ रही हुई, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहा है तो चारों तरफ गाना बजाना शुरू हो गया है, बहुत दिक्कत हो जा रहा है वो लोग बनाने के लिए भी, वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है दोस्तों। यह दूध मम्मी इसमें पलट रहे हैं, दूध आने का टाइम है तो गर्म कर देती हूँ इसको, चढ़ा देती हूँ। लाइट कट गया मम्मी, ठीक है। इधर मैं दूध चढ़ा दी हूँ, हो रही है दूध गर्म और लगता है खोलने लगा है दूध। देखती हूँ इधर मैं खाना वगैरह सब बना ली हूँ, नाश्ता भी बना ली हूँ। देखिए इधर मैं खाना बना के रख ली हूँ, इधर खाना है, इधर दाल है, इधर कचरी भून ली हूँ, इधर भूजा वगैरह सब है, दाल वगैरह सब है। तो धूप इधर बहुत हो चुकी है, अभी देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें लग रहा है कि कितना सारा धूप एकदम निकल रहा है, बहुत यहाँ पे धूप है। देखिए इधर लग रहा है पेड़ पौधा कुछ कुछ सूख गया है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, कुछ कुछ सूख गया है इधर पेड़ पौधा वगैरह सब, पता नहीं क्या हो गया है सबको, पानी वगैरह सब जरूरत है तो पानी लगता है, पेड़ पौधा सब खत्म हो गया है, तो मैं सारे पेड़ पौधे में पानी डाल दूंगी। तो देखिए कितना जैसे फूल फुला रहे हैं, देखिए दोस्तों कितना अच्छा फूल फुलाया है यहाँ पे, मुझे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इसको लगता है कुछ कीड़ा वगैरह सब लग गया है, तो देखिए कैसा हो गया है, सूख रहा है सब, इसका भी इलाज जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्या कर क्या इसमें पौधे में क्या छिड़के कीटनाशक दवा कुछ वगैरह सब इसमें डाल के इसे ठीक ठाक करना पड़ेगा। और इधर देखिए सीम का कुछ लर वगैरह सबसे तो अब नहीं फड़ रही है सीम वगैरह सब, ये देखिए उड़हुल का इधर पौधा है, इधर देखिए एक फूल फुलाया हुआ है देखिए, और अमरूद का पेड़ है, तो इधर देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फल वगैरह सब लग रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, सुंदर अमरूद लगा हुआ है, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं नीचे से, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है, बताइए पूरा सारों तरफ इसे छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं इसमें से। और देखिए अमरूद का फल, देखिए अमरूद इसमें फल दे रही हैं, लग रहे हैं अमरूद में फल, देखिए इतने छोटे छोटे हैं, आप लोग देखें कि नहीं देखें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, कितना अच्छा दिख रहा है। मैं यहाँ आती हूँ ना तो ही सब देखती हूँ ना, तो वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है इस सब के लिए, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधा ऐसा है नहीं अगल बगल। देखिए यहाँ भी देखिए कितना अच्छा फूल लगा है अमरूद में फूल, कितना अच्छा से दिख रहा है, देखिए बहुत धूप है दोस्तों, देखिए कितना बादल में, सुबह लग रहा था कि बहुत सारे बारिश हुई है पर बारिश वर्षा नहीं हुई, और देखिए एकदम धूप बहुत बिजड़ उड़ गया है। इधर कार्टून वगैरह सब रखा गया है, तो ये सब पापा जल्द ही इसको दूसरी जगह ठिकाना लगा देंगे, बेच देंगे, पर अभी आ नहीं रहा है बेचने के लिए लेने के लिए। इधर रहर तो सूख ही किया है, रहर का पौधा देखिए एकदम सूख गया है, इधर कुछ कुछ इसमें फल फूल लग रहे हैं, पर ये सालों भर छोड़ दीजिए तो सालों भर ये फल लगेंगे, यहाँ पे ये देखिए सब फल लग रहे हैं। फिर चुके हम लोग किचन में और दोपहर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो खाना वगैरह तो बन गया है पर अभी हम सलाद काटने जा रहे हैं। और यह देखिए ये रहा देखिए खीरा, तो मैं सलाद काट ले रही हूँ। इधर बाबू फोन किया था कि दीदी गड़ी भून दीजिएगा, तो मैं गड़ी भूनने जा रही हूँ, दिखाती हूँ किस तरह से गड़ी भूंजाता है यहाँ पे, देखिए गड़ी को इस तरह से भूनना है,
हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, आराम आराम से भूनना है। एक पान में डलाता है, इसी वजह से गड़ी बाबू मैंने बोला है। सारा काम मेरा हो गया है, पर अब गड़ी भून लेती हूँ, दूध भी गर्म कर ली हूँ, और इसके बाद सलाद काट के इसके बाद सबको बोलती हूँ खाने के लिए। दोस्तों बहुत काम हो जाता है घर में। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ भाभी के रूम में। देखिए मर्दानी किस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए मर्दानी ऐसा है, और इसको क्या करें, दरवाजा है ये करना है ना, तो वहाँ पे पैसा रखते जाना, उसके बाद एंट्री करना है इसमें। देखिए यहाँ से चैन लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, डबल बेड का है, कितना सुंदर लग रहा है। इधर भी एक रूम है, अभी इधर भी एक बेड बिछा हुआ है, और इधर भी एक बेड बिछा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी प्यारी सी भोली सी बेटी क्या कर रही है। बस सोई रहती है। देखिए यहाँ क्या कर रही है, आप लोग भी देख लीजिए। उठो उठिए उठिए, देखिए हेलो करिए इधर। उठो बिन्नी मैया, उठ जा। देखिए मस्ती में सोई हुई है। रेखा खा लिए हैं खाना वगैरह सब। खाना अच्छा लगा? बहुत टेस्ट। हॉस्पिटल में खाना मिलता है? खा पी के रेडी हो गए हैं, तभी हम लोग बैठ के गप सप कर रहे हैं। बाबू लोग मम्मी लोग भी यहीं पर थे, पर उन लोग चले गए हैं, लोग दे रहे हैं, जा रहे हैं खाना, खा पी लेंगे, इसके बाद हम लोग फिर आराम करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों तो आपका स्वागत है शुभाचार्य ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं भी जा रही हूँ मार्केट के लिए, निकल रही हूँ, और कुछ सामान वगैरह सब खरीदना उदना है, तभी से तैयारी तो हम लोग करना है ना, क्योंकि खुशी का माहौल अभी चल रहा है सब जगह। तो हम लोग कुछ तैयारी वारी करने के लिए, कुछ खरीदना है, कुछ इकट्ठा पड़ा है, तो हम लोग कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। तो बाबू आए, इसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग कपड़ा दुकान में आ गए हैं। दोस्तों बन गई है इधर पनीर की सब्जी। देखिए ये रहा पनीर का सब्जी, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए आटा सान दी हूँ इधर, सारा पसंद कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। छोटा बहुत हो गया, देखिए इधर।